तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अगेन से मी 11 लाइट एनी के ऊपर एक और कस्टम रूम यानी इवोल्यूशन एक्स के बारे में, इसके एक और अपडेट के बारे में। इसके ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और सारे फीचर आज ना ए टू जेड फीचर कवर करने वाले, तो वीडियो यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबा होगा और अंत तक देखिएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर मिस कर देंगे। इवोल्यूशन एक्स ही यहाँ पर चूज इसीलिए किया गया है क्योंकि इसका ही ऑफिशियल अपडेट अच्छे से हमें प्रोवाइड किया जा रहा है और आप जैसे कि देख सकते हो अप्रैल के सिक्योरिटी पैचेस के साथ में ही दिया गया ये अपडेट, तो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर कर्नल की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर एटॉमिक एक्स 5.0 का कर्नल का यूज यहाँ पर किया गया है। दोस्तों बात करें दोस्तों इसके ऊपर जो है यहाँ पर सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट और इसी के अलावा दोस्तों बाकी टेस्ट भी हमने किए हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर Antutu और Geekbench आपके सामने कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हो सकता है सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट भी यहाँ पर शायद मैंने परफॉर्म ना किया हो, तो वो भी मैं आपके सामने यहाँ पर कर लूंगा दोस्तों, ठीक है। तो सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट भी हमने यहाँ पर नहीं किया, तो उसको भी ऑन कैमरा ही जो है हम यहाँ पर परफॉर्म कर लेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और भाई अपने 15K सब्सक्राइबर हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, आपकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल यहाँ पर हो पाया है, तो थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है। बैटल ग्राउंड खेल करके देखा था, थोड़ा सा मुझे ऑडियो ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ में मुझे थोड़ा सा ऑडियो लेटेंसी का इशू लगा है, बाकी सब तो मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ओके यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं एक छोटा सा इशू उसके कैमरे से रिलेटेड भी है कि कैमरा यहाँ पर हमें जो है नॉर्मल सा ही देखने को मिलता है, कुछ यहाँ पर ANX कैमरा वगैरह प्री इंस्टॉल्ड या कुछ इस तरीके की चीज़ें या GCam यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है फिलहाल। चलिए फोटो की तरफ बढ़ते हैं और फीचर के बारे में बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके ऊपर जो आपको गूगल्स का जो है अनलिमिटेड एक्सेस देखने को मिलता है, अनलिमिटेड स्टोरेज देखने को मिलता है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, पिक्सल इज फ्री एंड अनलिमिटेड बैकिंग अप इन दिस डिवाइस, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, एज ए पिक्सल डिवाइस उसको डिटेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जो है अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है अपने वीडियोस और फोटोज को यहाँ पर स्टोर करने का गूगल के अंदर। तो इसके अलावा दोस्तों अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें तो ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो होम स्क्रीन पे, यहाँ पर सिर्फ ट्विटर आप लोग देख सकते हो जो कि मैंने अलग से डाउनलोड किया है, बैटल ग्राउंड और सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट। तो यहाँ पर बाकी चीजें तो यहाँ पर पहले से ही थी, ऑलमोस्ट सारी चीजें ये पहले से मुझे देखने को यहाँ पर मिली थी या फिर कुछ जो है अपने आप इंस्टॉल हो जाती है बाद में जब हम सेटअप करते हैं। उसके अलावा दोस्तों बाहर की तरफ आप देखेंगे तो पर का एक ये देखने को मिलता है, इसके ऊपर दोस्तों आपको कुछ इवोल्यूशन एक्स के कुछ वॉलपेपर्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। इसी के अलावा दोस्तों नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर गूगल पैनल देखने को मिल जाता है, ड्रॉवर जिसे आप कहते हैं। इसी के अलावा दोस्तों एंड्रॉइड 12.1 के साथ में रोम आती है, तो वो सारे फंक्शन के ऊपर आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर अगर हम बात करें इसके नोटिफिकेशन सेंटर की, तो यहाँ पर एक नए तरीके जो एनिमेशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये हो गया। इसी के अलावा दोस्तों अगर हम पावर मेन्यू की बात करें तो कुछ तरीके से देखने को हमको मिलता है ये, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर साउंड सर्च हो गया, ऑडियो मोड कौन सा चाहिए आपको वो हो गया यहाँ पर। इसके अलावा फोकस मोड, बेड टाइम, लाइव कैप्शन, ऑन द गो, गेम मोड वगैरह बहुत कुछ तरीके चीज़ें देखने को आपको मिल जाती है। और इसके अलावा ये कैफीन एक्स्ट्रा डिम हो गया, डार्क थीम हो गया, तो सब कुछ है ऑलमोस्ट यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर आप मैंने देख सकते हो आपने जो है थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है इसे पहले से ताकि आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप चीज़ें कस्टमाइज़ देख सकते हैं, जैसे कि इसके आइकन को मैंने कस्टमाइज़ किए यहाँ पर। वहीं बात करें दोस्तों इसके जो फॉन्ट को वो भी मैंने यहाँ पर चेंज किया है, तो ये छोटी मोटी कस्टमाइजेशन आप लोग कर सकते हैं अपने फोन के साथ में, जो कि काफी अच्छी बात है। पर से टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करते और सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं, और सेटिंग की तरफ मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ चीजें आपको देखने को मिलती है। लेकिन छोटा सा यहाँ पर चेंज देख लेते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे। लॉक स्क्रीन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पहले ये शायद लॉक वाला जो है कहीं दूसरी इसकी पोजिशन थोड़ी नीचे आती थी, तो वो सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। छोटी मोटी अपडेट्स हैं, बहुत ही ज्यादा कुछ मेजर अपडेट्स यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हो टेम्परेचर वगैरह भी साइड में लिखा रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। द इवॉल्वर करके इसके ऊपर सेटिंग आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर थीम्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पिच डार्क थीम करने के लिए हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है यूज ब्लैक थीम, जिससे कि यहाँ पर पिच डार्क यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मोनेंट इंजन भी आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर परफेक्टली काम करता है और कोई दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली। मोनेंट इंजन यहाँ पर बेसिकली ये करता है कि जो उसकी व्हाइट ल्यूमिनेंस होती है, जो ये पीछे आपको बैकग्राउंड में जो ब्लू ब्लूइश कलर दिख रहा है ना, उसको ये यहाँ पर अच्छा और ज़्यादा निखारने का काम करता है। जब भी आप कहीं टच वच करेंगे तो टच करके जो एक कलर देखने को आपको मिलता है ना, वो आपको यहाँ पर काफ़ी गहरा देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसका वॉल्यूम अगर मैं बढ़ा देता हूँ, तो वैल्यू इसका अगर मैं बढ़ा देता हूँ, तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर मैं इसको ऑन ये जब इसको करूँगा, तो देखिए कितना ज़्यादा ल्यूमिनेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको कम कर देंगे तो फिर वो कम हो जाएगा, जैसे कि मैं इसको अभी कम कर देता हूँ, यहाँ पर 225 कर दिया। और अब जब मैं स्क्रीनशॉट खोलूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
मे भी शायद रिस्टार्ट करना पड़े या फिर इसका सिस्टम यू आई को रिस्टार्ट करना पड़े, तो क्रोम फैक्टर भी इसके ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है। तो ये छोटी मोटी सेटिंग ही आप लोग चेकआउट कर लेना अपने हिसाब से, और उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से ये अंदाज़ा हो जाएगा ये क्या करता है दोस्तों। जैसे ही आप कस्टमाइज कलर पर सेट करते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी कलर वगैरह सेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको पीछे की तरफ एक लुमिनेंस तो देखने को मिल ही रहा है इसका ब्लू कलर का। ये देखिए अब ब्लू का जो शेड है ना वो चेंज हो रहा है इसकी वजह से, नीचे अगर मैं इसको कम कर देता हूँ कम हो जाता है, और ज़्यादा कर दूंगा तो यहाँ पे जो ब्लू ब्लू जो शेड देखने को मिल रहा है वो ज़्यादा ब्लू यहाँ पर हो जाता है, या जो भी कलर आप सेट करते हैं वॉलपेपर के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। अभी यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बाकी चीज़ें जैसे कि डार्क थीम देखने को मिल जाता है, यहाँ पर हेडलाइन बॉडी फॉन्ट वगैरह देखने को मिल जाता है, सिग्नल आइकन हो गए, बहुत सारे आइकन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, सिग्नल आइकन्स हो गए, वाईफाई आइकन हो गया यहाँ पर जो कि मैंने जैसे कि आपको बताया कस्टमाइज़ कर रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आइकन शेप भी यहाँ पर बहुत सारी दी गई है, पर्सनली मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है आइकन शेप वाला ये जो ऑप्शन है, तो डेफिनेटली अगर आप स्क्वायरल की ये कह सकते हो थोड़ा बहुत मुझे पसंद है, ये थोड़ा अच्छा कर देता है, थोड़ा डिज़ाइन ठीक है। वहीं अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं तो इसके ऊपर मिलता है स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर आपको बहुत सारे आइकन देखने को मिल जाते हैं, आइकन को आप बेसिकली हाइड कर सकते हैं, जैसे कि मुझे अगर वाईफाई का जो आइकन आ रहा है उसको अगर मुझे हाइड करना है तो सिंपली मैं इसको ऑफ कर दूंगा और वाईफाई का जो आइकन है वो यहाँ से हट जाएगा, तो कुछ अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप इसको यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। वहीं क्लॉक की पोजीशन सेंटर में या लेफ्ट में या राइट में आप लोग कर सकते हो, और अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट की साइड में अच्छे से की गई है तो ये कैमरे के ऊपर यहाँ पर ओवरलैप नहीं करता, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। यहाँ पर मैं पर्सनली वैसे सेंटर में रखना पसंद करता हूँ लेकिन राइट में भी काफ़ी अच्छा लगता है और एलिगेंट लगता है। क्लॉक की बात करें यहाँ पर तो ऑटो हाइड का ऑप्शन है यहाँ पर क्लॉक के अंदर, और यहाँ पर सेकंड्स वगैरह भी चला सकते हो, बेसिकली बेकार है चलाना ठीक है। इसके अलावा डेट वगैरह आप कर सकते हो, डेट वगैरह आपको चाहिए तो वो दिख जाएगी, किस तरीके का आपको डेट एंड टाइम चाहिए वो भी यहाँ पर आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक अगर आपको पूरा चाहिए तो आप पूरा भी कर सकते हो है ना, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और कट जाता है फिर है ना, तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि छोटा सा डालो कुछ भी यहाँ पर, लाइक ट्यूसडे 12 है ना, तो इतना बहुत है। इसी के अलावा दोस्तों आप और भी चीज़ें इसके ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। ट्रैफिक इंडिकेटर की बात करते हैं दोस्तों, तो ट्रैफिक इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है, वो परफेक्टली यहाँ पर काम भी कर रहा है। रिफ्रेश रेट कितनी देर में रिफ्रेश हो, 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, यहाँ पर आप जो अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको भी। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है बैटरी आइकन का, बैटरी आइकन के ऊपर आप पोर्ट्रेट सर्कल वगैरह ये सब हो गया, यहाँ पर परसेंटेज वगैरह आपको कैसा चाहिए ये भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। लोगों की बात करें तो यहाँ पर साइड में लोगो आ जाता है इसके ऊपर, तो यहाँ पर मेल फीमेल मैन वगैरह जो भी आप करना चाहें, गूगल वगैरह अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं ना, अच्छा भी लगता है कई बार, और कई बार ये जगह घेरता है तो मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, ज़्यादातर मैं इसको यूज़ नहीं करता, पता नहीं कौन यूज़ करता है और क्यों ये ऑप्शन अभी तक यहाँ पर अवेलेबल है। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ और बात कर लेते हैं यहाँ पर ओल्ड स्टाइल मोबाइल डाटा आइकन। तो ये डाटा आइकन वगैरह चेंज हो जाएगा इससे बेसिकली, और कुछ नहीं ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। वहीं अगर आपको LTE की जगह 4G चाहिए तो यहाँ पर आप इसको भी ऑन करके चेंज कर सकते हैं, मैंने करके देखा था, सिम वगैरह लगा था मेरा, बैटरी वगैरह अच्छे से काम कर रही, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा दोस्तों वोल्टी आइकन हो गया, वोफाई आइकन हो गया, शो डाटा डिसेबल आइकन हो गया, रोमिंग इंडिकेटर हो गया, ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस भी यहाँ पर दिखाता है, जब आप ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्टेटस देखने को मिल जाएगा यहाँ पर बैटरी का। वहीं माइक एंड कैमरा प्राइवेसी इंडिकेटर जो हमें एंड्रॉयड 12 के अंदर एक नया फीचर देखने को मिलता है वो भी इसके अंदर अवेलेबल दिया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर हो गया, कंबाइंड सिग्नल आइकन हो गया, कंबाइंड सिग्नल आइकन यानी दो अगर आपने सिम लगा रखी है तो उन दोनों के कंबाइन करके ही दिखाएगा, एक एवरेज आपको जो आपका नेटवर्क आ रहा होगा उसको दिखा देगा, तो इस तरीके से होगा कुछ। इसके अलावा दोस्तों नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं, तो रीटिकर आपको मतलब बेसिकली नोटिफिकेशन जो आता है इतना बड़ा सा आपने सैमसंग में देखा होगा, यहाँ पर गोल गोल सा आता है, तो वही चीज़ यहाँ पर की गई है, बस वो सैमसंग का जो गोल गोल टिकर आता है ना रीटिकर उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देता है और कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव होता है वो, अच्छा नहीं लगता, तो सैमसंग वाला छोटा सा आता है तो उसको ऑन कर देंगे तो वो छोटा सा ही आएगा यहाँ पर, हल्का सा सैमसंग की तरह। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे एम्बिएंट एज लाइटिंग वगैरह, जो कि मुझे पर्सनली यहाँ पर इतना पसंद है नहीं, और आप इसको यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, बेसिकली काम कर रहा है यहाँ पर। इसके अलावा हैंड्सअप हो गया, हैंड्सअप भी यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से काम कर रहा था, लास्ट टाइम जब मैं चेकअप कर रहा था तो काम करता हुआ नज़र आया मुझे ये, तो ये भी एक चीज़ हो जाती है जो कि काफ़ी अच्छे से और परफेक्टली यहाँ पर काम करती हुई मुझे
नजर आ रही है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ, आपको शो नोटिफिकेशन साउंड इफ एक्टिव वगैरह आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शन हैं जिनको आप लोग यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो गाइस। वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा बन जाएगा अगर मैं एक एक ऑप्शन के अंदर और डीपली घुसूंगा तो, बाकी आप ऊपर से अंदाजा लगा सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल का भी ऑप्शन दिया गया है, तो जब भी आपके पास कोई कॉल आएगा तो आप इसको ऑन करके रख सकते हैं और आपकी फ्लैश लाइट यहाँ पर ब्लिंक करने लगेगी। फ्लैश लाइट का जो रेट है उसको भी यहाँ पर सेट आप कर सकते हैं, कितने हर्ट्ज पे आपको करना है, ब्लिंक कितना तेज होना चाहिए, बेसिकली वो यहाँ पर आप लोग सेट कर सकते हैं। क्विक सेटिंग की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तो क्विक सेटिंग के ऊपर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे डेट वगैरह आपको चाहिए क्विक सेटिंग के ऊपर, अगर नहीं चाहिए उसको ऑफ कर सकते हैं, आपको डेट वगैरह नहीं दिखेगी। इसी के अलावा दोस्तों आपको सिक्योर क्यूएस स्टाइल ऑप्शन अनलॉकिंग का जो ये रहता है, बाकी जितने भी ऑप्शन है द फॉलोइंग पढ़ सकते हो, नीचे भी लिखा आ रहा है स्टॉप करके वीडियो अगर पढ़ना चाहो। इसके अलावा बैटरी एस्टीमेट वगैरह अगर आपको देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं, एक दिन की 14 घंटे ऐसा दिखा रहा है। QoS पुल डाउन अगर आपको ये भी नहीं चाहिए, भरा भरा लग रहा है, तो उसको भी आप ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आप आर्ट वर्क हो गया, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ब्राइटनेस स्लाइडर हो गया, परफेक्टली काम करना चाहिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये नॉर्मली आपको देखने को मिले तो आप इसको पोजिशन जो है चेंज कर सकते हो, शो ऑलवेज कर सकते हो, तो अब ऊपर की तरफ आ गया है, ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो ऑलवेज अगर आप कर देंगे तो सही है, टॉप पोजीशन चाहिए बॉटम चाहिए, बॉटम यहाँ पर ज्यादा अच्छा लगता है, एलिगेंट लगता है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर QoS फुटर वगैरह को भी आप एडिट कर सकते हो, एक एक ऑप्शन को यहाँ पर कर सकते हो। पावर मेन्यू एडिट का जो ऑप्शन आ रहा है उसको आप यहाँ पर बंद करना चाहते हो, ये पेंसिल यहाँ से बेसिकली सेटिंग का ऑप्शन यहाँ से गायब हुआ है, जैसे आप लोग देख सकते हो पावर मेन्यू वाला जो ऑप्शन होता है ये कहाँ से गायब हो गया था, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। एडिट टाइल्स वाला ऑप्शन आप यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं, इवन तो सेटिंग का भी शायद आप यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं, सेटिंग शॉर्टकट, तो ऐसे बहुत सारे से छोटे छोटे ऑप्शन है जिसको ये यहाँ पर बंद करने के लिए कह रहा है, तो अगर आप करना चाहें तो बेसिकली कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा सही नहीं है, आपको कभी कभी यूज़ में आते हैं, मेरे तो बहुत यूज़ में आते हैं, तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली इसको रखने वाला दोस्तों। चलिए बैक करते हैं यहाँ पर और बाकी चीज़ों को भी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर चलते पावर मेन्यू की तरफ, और पावर मेन्यू की तरफ आपको सिस्टम सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जहाँ पर होल्ड फॉर असिस्टेंट यहाँ पर कर सकते हो, परफेक्टली यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पर होल्ड करेंगे, यहाँ पर असिस्टेंट अपने आप ऑफ ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से काम भी करता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। पावर रीस्टार्ट, एडवांस रीबूट और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को बेसिकली मिल जाते हैं। इसी के अलावा दोस्तों अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो जेस्टर्स यहाँ पर देखने को मिलता है, सिस्टम सेटिंग के अंदर आपको काफ़ी सारे जेस्टर्स देखने को मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कौन कौन से हैं, क्विक टैप टू स्टार्ट एक्शन, क्विक टैप बेसिकली वही डबल टैप पीछे आपको करने वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्क्रीनशॉट लेना तो बेसिकली आपको बस टैप करना है पीछे और स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर कभी कभी काम करता है, ये देखिए यहाँ पर ज़्यादातर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर बात करें तो इसमें आप पिल वगैरह भी ऑफ कर सकते हैं, ये देखिए शॉर्ट दिखा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से एडवांस जेस्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं, लॉन्ग स्वाइप करके रखेंगे तो कुछ एक्शन अगर चाहते हैं तो यहाँ पर, जैसे कि मैं चाहूँगा कि एप्लीकेशन स्विच हो जाए तो रिसेंट एप्लीकेशन ऐप स्विच हो जाएगा यहाँ पर, और मैंने लेफ्ट में इसको असाइन किया है तो लेफ्ट में यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है जिसको यहाँ पर कम करने की ज़रूरत है बेसिकली, तो यहाँ पर 250 कर देते हैं, और ये देखिए अब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ईजी है, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट में इसको रखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा बजाय राइट के, तो ये आप डेफिनेटली एक ऑप्शन है जो काफ़ी ज़्यादा काम आता है लोगों के, तो डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर EMI स्पेस बटन उसको आप ऑफ कर सकते हैं, फुल स्क्रीन जेस्टर पिल जो है उसको हाइड कर सकते हैं, मैं इसको अगर ऑन कर दूंगा तो ये पिल है, ये यहाँ पर हाइड नेविगेशन पिल एंड कीबोर्ड स्पेस, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कीबोर्ड स्पेस जो नीचे की तरफ आपने देखा होगा ना वो यहाँ पर हाइड कर देगा ये बेसिकली, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हल्का सा स्पेस अभी भी है लेकिन हाँ ऑलमोस्ट गायब सा यहाँ पर कर दिया है। ये थोड़े बहुत ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इधर रिवॉल्वर के ऊपर, और बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, अगर हम और ज़्यादा डीप में घुसेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो को कवर करते हुए, हालांकि मैं चाहता हूँ यहाँ पर कम्प्लीटली वीडियो को कवर किया जाए, एक ऑप्शन को यहाँ पर दिखाया जाए। स्क्रीनशॉट टाइप भी है यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सॉरी टॉर्च जो है आप कैसे चाहते हो वो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, टॉर्च वगैरह ऑन करने की यहाँ पर कुछ जेस्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की, तो लॉक स्क्रीन की अगर हम बात करें तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है, हाइड स्टेटस बार देखने को मिलता है, हाइड QoS पैनल ऑन सिक्योर, मतलब सिक्योर लॉक हो जाएगा यहाँ पर आपका,
तो आप यहाँ पर जब भी क्यू एस पैनल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे यहाँ से बिल्कुल भी, सिर्फ नोटिफिकेशन देख पाएंगे। तो ये एक यहाँ पर छोटी सी चीज़ है जो कि काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर कवर करनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए सभी कस्टम रोम्स के ऊपर, मेरा मानना यही है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो यहाँ पर आपको बटन वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वही सिस्टम नेविगेशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल गया। बटन इन्वर्ट करने के ऑप्शन हो गए, यहाँ पर एरो कीज़ हो गई किस टाइप की चाहिए आपको, और बाकी बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, ये सारे ऑप्शन आप डेफिनेटली देखने को मिलेंगे दोस्तों। अभी यहाँ पर चलते हैं और चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो मिसलेनियस सेटिंग यहाँ पर गेम स्पेस के ऊपर देखने को मिलता है, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस फीचर का इस्तेमाल आप काफ़ी अच्छे से गेमिंग के लिए कर सकते हैं दोस्तों। बेसिकली यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो गेमिंग के रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे कि नोटिफिकेशन ना आए और कोई अलार्म नोटिफिकेशन वगैरह ना बजे, तो उसको यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेगा। उसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन ऑफ एनिमेशन हो गया, स्क्रीन शॉट टाइप आप कैसा चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर ये जैसे ही मैं डबल टैप करता हूँ पीछे की साइड, तो यहाँ पर ये क्विक स्क्रीनशॉट खींच लेता है। और अगर मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ नॉर्मली, तो यहाँ पर उसके लिए तो भाई यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें क्या करना है इसके ऊपर, जिसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये काम कर भी रहा है नहीं, अब मेरे को थोड़ा शक है। तो ड्रैग सेक्शन ऑन दी एरिया यू वॉन्ट टू स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पर तो इसके लिए अगर आपको करना ही है तो मैं एक बार यहाँ पर जा कर के दिखा ही देता हूँ यहाँ पर मैंने ऑन किया हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है एक्स्ट्रा के पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना है, तो आपको शॉर्ट क्लिक वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया, यहाँ पर मैंने दोनों को दबाया और उसके बाद आपको जितना भी स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ पर कुछ इसी तरीके की ये चीज़ यहाँ पर बता रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन बहुत सारे हैं दोस्तों जो इस रोम के साथ में दिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच रोम मैं इसको कहूँगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर आपको और भी हाइडन ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि अपने आप में काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। आप लोग यहाँ से काफ़ी सारे ऐप को हिडन भी कर सकते हैं, और सेटिंग को मत कर दीजिएगा मिलेगी भी नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है। इसके अलावा दोस्ती इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज का ऑप्शन, यहाँ पर हाईएस्ट एफपीएस अनलॉक गेमिंग इन गेमिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर स्ट्रीमिंग के ऊपर भी आपको हायर यानी डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, इसके ऊपर आपको हायर क्वालिटी देखने को मिलेगी जो कि मैक्स क्वालिटी रहेगी यहाँ पर, वो यहाँ पर आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन है। इसके अलावा शो स्क्रीन पे अगर आपको सीपीयू यूसेज चाहिए कि क्या हो रहा है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, टोस्ट ऐप आइकन वगैरह आपको अगर चाहिए, इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग भी यहाँ पर, तो ये जो भी आप लोग देख सकते हो ना कि हॉटस्टार वगैरह में हम लोग देखा है आपने ब्लैक सा हो जाता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर ये जो है ऑप्शन यहाँ पर कम्प्लीटली जो है रिमूव कर देता है बेसिकली। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग कहीं पे भी स्क्रीनशॉट यानी अगर आप गूगल पे पे स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो वहाँ पे भी खींच सकते हैं, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं पे ऐसे स्क्रीनशॉट रिस्ट्रिक्शन होती है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे होती है कई बार ही, और नेटफ्लिक्स में होती है, तो इस तरीके के ऐप्स पे आप रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट खींच पाएंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों यहाँ पर द इवॉल्वर का कंप्लीट रिव्यू। और इसी के अलावा दोस्तों अगर बात करें अब बाकी चीज़ों की, फ़ोन के ऊपर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो फ़ोन के ऊपर आप लोग देख सकते हो ये सारी चीज़ें। यहाँ पर अडेप्टिव कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, बेसिकली ये जो यहाँ पर मैनेज करेगा कि आपको फ़ोन के ऊपर स्विच करना चाहिए या वाईफाई के ऊपर, ये अपने आप जो है यहाँ पर अडेप्टिव जो पावर कंट्रोल करेगा, तो ये बेसिकली काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो गया आप सभी के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहाँ पर आपको जो है चीज़ें देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब्लूटूथ का यहाँ पर ऑप्शन सारा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर ऐप वही सारे ऑप्शन नॉर्मली देखने को मिलेंगे। बैटरी के ऊपर आप अगर चले तो यही सारे ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, वही नॉर्मल से ऑप्शन सारे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर साउंड के ऊपर चलते हैं तो साउंड के ऊपर आप लोग देख सकते हो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टच वाइब्रेशन वगैरह भी देखने को मिलता है, स्क्रीनशॉट चार्जिंग टॉर्च सब कुछ जो भी साउंड्स होते हैं वो सारे यहाँ पर आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। इसी के अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भाई वाइब्रेशन किधर किधर कितना हो, तो वो भी यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, टच का वाइब्रेशन, इसके अलावा नोटिफिकेशन का वाइब्रेशन, रिंगिंग का, तो काफ़ी कस्टमाइजेबल रोम है जैसे कि मैंने कहा ही आपको। इसके अलावा दोस्तों अगर नेक्स्ट हम चले तो यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर चलते हैं, तो डिस्प्ले के ऊपर भी आपको यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं कि डार्क थीम वगैरह आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो गाइज। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट साइज़ हो गया, डिस्प्ले साइज़, स्मॉलेस्ट विड्थ आप डीपी वगैरह सेट कर सकते हो, कलर्स वगैरह यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, वाइट चाहिए आपको किस तरीके के कलर चाहिए, आरजीबी को भी सेट कर सकते हो यहाँ से अपने हिसाब से। इसी के अलावा दोस्तों 60 और 90 के ऊपर ये स्विच कर सकते हो आप लोग, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो 60 के ऊपर और ऑन कर देंगे
तो 90 के ऊपर यहाँ पर स्विच हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पर अपनी आंखों से फील कर पाता हूँ। वीडियो में फील कर पाओगे या नहीं इसका तो कुछ अंदाज़ा मुझे नहीं है दोस्तों। तो इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के ऊपर भी आपको छोटे छोटे ऑप्शन जैसे टेक्स्ट एंड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको किस तरीके के टेक्स्ट और डिस्प्ले चाहिए वो यहाँ से कर सकते हो, एनिमेशन को रिमूव कर सकते हो, मैग्नीशन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टाइमिंग कंट्रोल वगैरह हो गया, यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन हो गया दोस्तों, यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक्स हो गया, वही सारे ऑप्शन, लाइव कैप्शन हो गया, कुछ लाइव ट्रांसक्राइब हो गया, यहाँ पर कैप्शन हो गया, साउंड एम्पलीफायर हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है ये ऑप्शन। इसके अलावा और यहाँ पर साउंड नोटिफिकेशन हो गया, हियरिंग एड वगैरह आप कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं साउंड का, अगर आपको लेफ्ट राइट में कुछ इशू है तो यहाँ से एडजस्टमेंट उसकी कर सकते हो गाइस। इसी के अलावा दोस्तों कुछ और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये सारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाती चीज़ें। इसके अलावा सिक्योरिटी के ऊपर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर फेस एंड फिंगरप्रिंट आपको दोनों ही देखने को मिलते हैं, और फिंगरप्रिंट यहाँ पर प्रीटी मच फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है लेकिन हाँ भाई काफ़ी अच्छे से काम कर देता है हमारा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है दोस्तों इस रूम के ऊपर, और भी छोटे मोटे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको यहाँ पर अगर मैं कवर करने लगा तो अगेन से आपको पता ही है मैं क्या कहने वाला हूँ वही लाइन को, तो रिपीट करने से अच्छा है आप सब्सक्राइब कर दीजिए और दोबारा ये वीडियो और दोबारा देख करके जाइए, और हर बारी आइए और हर बारी देखिए तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। चलिए वीडियो की तरफ और आगे बढ़ते हैं। गूगल की सेटिंग्स आपको कुछ देखने को मिल जाती है, लॉन्चर के ऊपर ये सारी चीज़ें यहाँ पर तो कम्प्लीटली मैंने बता दी हो जाते हैं। अभी चलते हैं यहाँ पर इसका सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट आप लोग देख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर इसका गिगबेंच और एंटूटू टेस्ट भी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा दोस्तों। तो गाइज यहाँ पर डिवाइस की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने से पहले एक और दो पॉइंट यहाँ पर और हैं जो आपको यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा। उसमें से एक है दोस्तों यहाँ पर इसकी बैटरी लाइफ कैसी है, बैटरी कैसी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, पूरा एक दिन आपका आराम से यहाँ पर निकाल देगा अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो। गेमिंग में मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन नॉर्मल यूज़ में जो है आपका यहाँ पर एक दिन निकाल देगा, और ज़्यादातर लोग शायद इस फ़ोन के साथ में यहाँ पर गेमिंग करते भी नहीं है। मैंने भी थोड़ी सी लाइट गेमिंग करके देखी है, वो किसी गेमिंग होती है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हार्डकोर गेमर जो है इस फ़ोन को इस्तेमाल वैसे भी नहीं करेगा। और जहाँ तक मेरा है कि परफॉर्मेंस वाइज भी यहाँ पर अगर नॉर्मल यूज में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है। एक और पॉइंट था जो मेरे को यहाँ पर कवर करना था वो है इसका सिक्योरिटी स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, सेफ्टी नेट क्या स्टेटस है इसका, तो यहाँ पर वो कम्प्लीटली पास करता है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी गूगल ऐप वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो परफेक्टली यहाँ पर काम करने वाले, सॉरी गूगल ऐप कह रहा हूँ, यहाँ पर बैंकिंग एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करेंगे या नेटफ्लिक्स वगैरह या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। लाइक यहाँ पर मैं नेटफ्लिक्स सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली वो दिखने वाला है इंस्टॉलेशन के लिए, कई बार ये इंस्टॉलेशन नहीं दिखाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर कम्प्लीटली फिक्स्ड है, तो उसके अंदर भी आपको कोई इशूज़ यहाँ पर नहीं होने वाले गाइस। अब चलते हैं यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पर परफॉर्म कर लिया, जैसे कि आप लोग वीडियो पर देख सकते हो जब हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया उस टाइम का, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर पूरा यहाँ पर आप लोग वीडियो देख सकते हो, उस वीडियो में हम लोग साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कुछ देर बाद ही यहाँ पर सीपीयू जो है यहाँ पर थ्रॉटल करना शुरू कर देता है। वहीं कभी कभी बीच बीच में एक आध नोटिफिकेशन आ रहा है तो उस तरीके में क्या जो सिचुएशन यहाँ पर रहती है, कितना थ्रॉटल कर जाता है सीपीयू, वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 50% से कई बार नीचे हमें जाने को देखने को मिला, और एवरेज अगर हम बात करें तो 68% की परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करें इसका मैक्स स्कोर 244 GIPS देखने को मिलता है, और यहाँ पर एवरेज यहाँ पर 208 देखने को मिलता है। वहीं अगर मिनिमम की बात करें तो 133 तक चला जाता है, जो कि मेरे हिसाब से यार काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। अभी दूसरी रोम में हमने ये नोटिस किया है कि इससे अच्छे स्कोर्स हमें देखने को मिले। फिलहाल जो इसके साथ में वो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके एंटूटू टेस्ट की। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके एंटूटू टेस्ट की, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर परफॉर्म करके रखा हुआ है। जी दोस्तों, एंटूटू टेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 512,000 के आसपास का स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर एक डिसेंट स्कोर है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तापमान में भी इतना ज़्यादा जो है बढ़ोतरी नहीं आई है। इस टाइम पर पंखा और एसी चल रहा था तो थोड़ा सा ये रहा तापमान। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इसके बैटरी की, तो यहाँ पर ड्रेनेज यहाँ पर 4% का हुआ इस टेस्ट के दौरान। वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हमने गिगबेंच टेस्ट को भी परफॉर्म किया है, जो कि अभी अभी जस्ट किया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 329 हो रहे हैं अभी। और अगर हम बात करें इस परफॉर्म को, हमने 317 पे परफॉर्म किया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो सिंगल कोर स्कोर जो है आपको 734 देखने को मिलता है, वहीं मल्टी कोर के ऊपर आपको 2422 देखने को मिलते हैं। यार कहीं ना कहीं स्कोर्स को लेकर के तो छोड़ो यहाँ पर, लेकिन इस डिवाइस के तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस प्रोसेसर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसको कहीं ना कहीं अभी जो है ये फ़ोन अच्छे से यहाँ पर निकाल नहीं पा रहा है।
बहुत जल्दी थ्रॉटल कर जाता है फ़ोन, जहाँ तक मैंने देखा है। इसका जो पतला फॉर्म फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इसके आड़े आता है दोस्तों, मैंने हर बार ये चीज़ नोटिस करी है। इसकी जो परफॉर्मेंस है ना उसको जो एक आप लोग कह सकते हो कि एक बूस्ट नहीं मिल पा रहा है, जो 778G का जो एक परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर कम्प्लीटली निकाल नहीं पाता है इसी वजह से। तो बाकी तो यार मेरे हिसाब से नॉर्मल यूसेज में बहुत ही एक्सीलेंट फ़ोन है। अभी मैंने जस्ट दोबारा से इस फ़ोन को बाय किया है और भाई मेरे हिसाब से तो यार मैंने अपने घर वालों के लिए इसको दोबारा से बाय किया है ब्लू कलर में। अगर आप चाहेंगे तो एक कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे कि कस्टम रोम और नॉर्मल अगर रोम है तो उसमें कौन में क्या फ़र्क देखने को मिलता है, क्या बेहतर आपको देखने को मिलता है। डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एक मैं अभी स्टॉक रोम है तो एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें मैं MIUI मिक्स और यहाँ पर MIUI मिक्स या फिर हेलास OS और यहाँ पे स्टॉक रोम दोनों को ही कंपेयर करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि क्या कुछ अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है दोनों ही रूम्स के ऊपर, जहाँ पर एक स्टॉक हम जो है रोम को उठाएंगे और एक हेलास रोम को उठाएंगे। तो क्या आपको ये टेस्ट चाहिए, क्या इस तरीके का टेस्ट आप लोग को पसंद आएगा, डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चाहिए तो ये लेफ्ट वाली जो वीडियो देखने को आपको मिल रही है इस पर जाकर के क्लिक करिए और आप इस वीडियो के आगे जाएंगे तो आगे जा करके आपको यहाँ पर जो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो देखने को मिलेगा। रोम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही में रोम के साथ साथ जो लिंक होगा यहाँ पर वो होगा टेलीग्राम का, तो आपको पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस रोम को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर आप डायरेक्टली एवोल्यूशन एक्स की साइट में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ यहाँ पर चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने जरूर से लाइक कर लेना, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे इसी तरीके के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तो अकेले बाय बाय, नमस्कार।